फर्जी एमबीबीएस की डिग्री बेचने के और डॉक्टर बनने के मामले पर हमीरपुर सीजीएम ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को कठोर कारावास के साथ साथ 3,40,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2009 का है, जिसमें विजिलेंस के द्वारा दर्ज शिकायत पर फैसला सुनाते हुए जिला कांगड़ा के निवासी कुलदीप कुमार सुपुत्र ब्रह्मदास निवासी गांव खुर्द को फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री रखने और उसके आधार पर एक नामी इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन किया था, जिस पर आरोपी को 3.5 साल का कठोर कारावास और 3,40,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। वहीं दूसरे आरोपी इंदर सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी न्यू आदर्श नगर मॉडल टाउन होशियारपुर को 5 साल का कठोर कारावास और 3,40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उत्तक सजा सीजीएम अभय मंडल की अदालत ने सुनाई। बता दें कि मामला 420-471 आईपीसी के तहत दर्ज हुआ था। सरकार की ओर से कोर्ट में सुनवाई के दौरान 23 गवाह पेश किए गए और मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने की। सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2009 के एमबीबीएस की फर्जी डिग्री मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया और दोनों दोषियों को अलग अलग कठोर सजा के साथ 3,40,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। आज मुख्य दंडाधिकारी हमीरपुर माननीय श्री अभय मंडयाल जी की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कुलदीप कुमार पुत्र ब्रह्मदास शर्मा गांव खुर्द डाकघर ज्वालामुखी तहसील बड़ो जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री रखने वो उसके आधार पर एक नामी इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्टर की पोस्ट के लिए आवेदन करने पर 3.5 साल का कठोर कारावास व 3,40,000 रुपए कुल जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही फर्जी डिग्री प्रदान करने वाले इंदर सिंह विरदी पुत्र रतन सिंह गांव न्यू आदर्श नगर गली नंबर 3 डिगड़ा रोड होशियारपुर थाना मॉडल टाउन होशियारपुर पंजाब को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 3,40,000 रुपए कुल जुर्माना की सजा सुनाई गई। बताते चलें कि ये मामला वर्ष 2009 का है। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हमीरपुर को एक शिकायत पत्र छानबीन करने द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर FIR नंबर 14/2009 दर्ज हुई थी तथा दोषीगणों के खिलाफ फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री रखने व उसके आधार पर एक नामी इंश्योरेंस कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कुलदीप कुमार ये जो दोषी है, जिसे 3.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है, इसने इस इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्टर के लिए डॉक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और मामले को धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत ये मामला दर्ज हुआ था। सरकार की तरफ से कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 23 गवाह पेश किए गए और आज माननीय श्री अभय मंडयाल जी ने कोर्ट में इन दोनों दोषियों को जो है ये सजा सुनाई है।